साफ सफाई के प्रति आप कितना रुझान है आपका? सर अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखती हूं, इवन घर में भी और घर से बाहर भी। रोड पे तो बिल्कुल भी कचरा नहीं मैं फेंकती, और जो कोई भी मुझे दिख जाए कि रोड पे कचरा फेंक रहे हैं तो मुझे उनको टोकने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होती। अच्छा आप ये बताइए, क्या आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? यस सर। सर मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं नगर पालिका में ज्वाइनिंग लेने से पहले वेट मत कीजिए इस क्वेश्चन का कि हम आपको क्यों सिलेक्ट करें जो मैंने आप आरजू से पूछा। इस क्वेश्चन की जरूरत नहीं है आपको। इवन आप अपने इंट्रोडक्शन के अंदर भी अपने एक्सपीरियंस को ज्यादा हाईलाइट कीजिए, बजाय आप अपने बारे में अपनी फैमिली, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं अगर उनसे इंट्रोडक्शन बोलते हैं तो ज्यादातर अपनी फैमिली के बारे में आ जाते हैं। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। टुडे एन इंपॉर्टेंट सेशन फॉर दोस हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नगर पालिका इंटरव्यू। दोस्तों यदि आप नगर पालिका के लिए जा रहे हैं और आपको लगता है कि सर इससे रिलेटेड जितने भी मॉक सेशंस आप हमें दे रहे हैं टाइम टू टाइम वो अच्छे हैं, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और इस इंटरव्यू के बीच में और लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा जो आपके बहुत काम आएंगे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, इस सेशन के अंदर मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछने जाऊंगा जिन्हें हाइपोथेटिकल बोला जाता है, यानी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। उन क्वेश्चंस को आपको एक्चुअली भी कैसे आंसर देना है, डेफिनेटली आपको इन क्वेश्चंस के द्वारा बेनिफिट मिलेगा। तो उम्मीद है ये सेशन आप कंप्लीट देखिए। और बताना चाहूंगा ग्रुप डी के ऑलमोस्ट 90 अबव वीडियोस हमने अपने पीडी क्लासेस चैनल पर दे रखे, और हमारे दोनों चैनल पीडी क्लासेस और इंट्रू गाइड पर आप अबंडेंट ऑफ वीडियोस रिगार्डिंग स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंटरव्यू, बॉडी लैंग्वेज के देख सकते हैं। और इंट्रू में आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत देखी जाएगी दोस्तों, तो प्लीज आप उसे भी इंप्रूव कीजिए। तो यहां पर मैं सबसे पहले वेलकम करता हूं आपको। और आरजू, आपका नाम है आरजू? हाँ जी सर। ओके आरजू, हम सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि जैसे आप इस समय क्या कर रहे हैं? सर मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूं। ग्रेजुएशन कर रहे हैं? यस सर। ओके तो देखिए, ग्रेजुएशन करने के बाद आपके पास बहुत ऑप्शंस होंगे कॉम्पिटिशन्स वगैरह देने के। यस सर। तो आपको नहीं लगता कि आपको वो कॉम्पिटिशन्स देने चाहिए इस जॉब के लिए, नगर पालिका जॉब आपको अवॉइड करनी चाहिए? नो डाउट सर, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं और कॉम्पिटिशन्स की भी तैयारी करूंगी। सर कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, अगर मुझे मौका मिलता है नगर पालिका में इनरोल करने का तो मैं डेफिनेटली ज्वाइन करूंगी। और ये तो मेरे सौभाग्य की बात है कि मुझे इतनी जल्दी सरकारी जॉब, सरकार से जुड़ने का मौका मिल रहा है। ओके चलिए, मान लीजिए इस जॉब के लिए अगर आपको बाहर जाना पड़े, बाहर रहना पड़े तो कैसे मैनेज करोगी? नो प्रॉब्लम सर, मैं मुझे होम सिकनेस नहीं होती। ओके तो आपको इजीली आप रह सकते हैं? यस सर। ओके चलिए, अब ये बताइए कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या आपके अंदर? सर मैं ऑनेस्ट एंड पंक्चुअल हूँ और मैं एक हार्ड वर्कर भी हूँ। ओके अब यहाँ पर बहुत से बच्चे जो नगर पालिका में जा रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि दो इंपॉर्टेंट बातें इंटरव्यूअर के माइंड में जरूर आती है जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स बताते हैं, चाहे आप कोई भी स्ट्रेंथ बताते हैं। आप कहते हैं मैं कॉन्फिडेंट हूँ, पंक्चुअल हूँ, ऑनेस्ट हूँ, क्रिएटिव हूँ, डिटरमिनेट हूँ, डेडिकेटेड हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ। अगर आप हिंदी में भी कोई स्ट्रेंथ बताते हैं, आपको लगता है कि सर मैं ईमानदार बोलना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं आत्मविश्वासी पर्सन हूँ, तो भी इंटरव्यूअर आपसे दो क्वेश्चन जरूर पुटअप कर सकता है। वो क्वेश्चन आप अच्छे से सुनिए। फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि आपकी वीकनेस क्या है, क्योंकि कभी भी कोई आपकी स्ट्रेंथ सुनेगा तो जरूर आपसे पूछेगा कि आपकी वीकनेस क्या है। सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकते हैं, प्रूव करो कि आपके अंदर ये स्ट्रेंथ है। कि मान लीजिए आप कहते हैं सर मैं एक ईमानदार पर्सन हूँ, तो वो कहते हैं चलिए बताइए हमें, प्रूव कीजिए कि आप कैसे ईमानदार हैं। तो आपके पास कोई ऐसी बात, कोई ऐसी स्टोरी, कुछ ऐसा आपकी लाइफ का इंसिडेंस आप जरूर शेयर अप कीजिए जो शो करे कि वाकई में आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन, ईमानदार पर्सन, डेडिकेटेड पर्सन, जो भी आप स्ट्रेंथ बता रहे हैं वो आप में हो। ये बहुत बड़ी बात है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ आपसे, और इसके साथ साथ अपने स्टूडेंट्स को हेल्प करता जाऊँगा जो नगर पालिका के लिए जा रहे हैं। मेरा क्वेश्चन है जो बहुत कॉमन है और मुझे लगता है इंटरव्यू में हर कैंडिडेट से एक क्वेश्चन पुट अप करेंगे कि हम आपको क्यों सिलेक्ट करें, प्लीज आंसर दीजिए। सर मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट हूँ और सर मैं हार्ड वर्कर भी हूँ। सर मुझे वास्तव में एक चांस चाहिए कि मैं अपने आप को शो कर सकूँ। ओके अब जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पुट अप किया कि मैं आपको क्यों सिलेक्ट करूँ, तो आपने अपनी कुछ स्ट्रेंथ्स बताई, फिर आपने एक पंच लाइन दी कि सर वास्तव में मुझे एक चांस चाहिए, आई रियली नीड वन चांस। सेम केस यदि कल अगर हमारे कैंडिडेट से पूछा जाए कि हम आपको क्यों सिलेक्ट करें, तो जो स्ट्रेंथ सच में उनमें है वो बता सकते हैं। इसके साथ में अगर उनको कोई एक्सपीरियंस है तो उस एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे से डिटेल में बताइए, यानी कि ये मानिए कि आप अपने एक्सपीरियंस को बायोडाटा की तरह नहीं, क्यूरिकुलम विटाए की तरह बताएंगे। जो आप सीवी में डिटेल में बताते हैं वैसे आप अच्छे से एक एक पॉइंट बताइए, आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। अपने एक्सपीरियंस को सिर्फ ये मत कहिए कि सर मैं 2 साल से इसी जॉब में हूँ, या 2 साल से मैंने ये काम किया है, 5 सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ। इवन एज क्राइटेरिया को भी बेनिफिट मिलेगा, जिसकी एज ज़्यादा होगी तो देखेंगे नंबर्स, मार्क्स वगैरह में ये भी देखेंगे। इवन आपका
जो पर्टिकुलर वर्क का है, आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो उसको भी वैल्यू मिलेगी। तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर आप अपने एक्सपीरियंस को बहुत अच्छा हाईलाइट करते हो, आप दिखाते हो कि सर मुझे 30 साल का एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस को 3 साल का एक्सपीरियंस ना बोलकर उस पर कम से कम 3 या 5 लाइनें बोलिए ताकि आप ज़्यादा बेनिफिट में रहें। और वेट मत कीजिए इस क्वेश्चन का कि हम आपको क्यों सेलेक्ट करें, जो मैंने आप आरजू से पूछा, इस क्वेश्चन की जरूरत नहीं है आपको। इवन आप अपने इंट्रोडक्शन के अंदर भी अपने एक्सपीरियंस को ज़्यादा हाईलाइट कीजिए, बजाय आप अपने बारे में अपनी फैमिली, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं अगर उनसे इंट्रोडक्शन बोलते हैं तो ज़्यादातर अपनी फैमिली के बारे में आ जाते हैं या फिर अपनी वीकनेस बताने लग जाते हैं, तो वो चीज़ें आप अवॉइड करेंगे। आप कोशिश करेंगे कि अपने एक्सपीरियंस को, अपनी अचीवमेंट्स को, अपने टैलेंट को ज़्यादा बताएंगे। जो भी आपके पास नॉलेज है, अगर आपने कुछ और भी पढ़ा है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, नगर पालिका से रिलेटेड, तो बिल्कुल आप बताइए कि सर यहाँ मैंने नॉलेज गेन किया है तो मुझे लगता है इस जॉब में बेनिफिट मिलेगा। आज जो साफ सफाई के प्रति आप कितना रुझान है आपका? सर अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखती हूं, इवन घर में भी और घर से बाहर भी, रोड पे तो बिल्कुल भी कचरा नहीं मैं फेंकती, और जो कोई भी मुझे दिख जाए कि रोड पे कचरा फेंक रहे हैं तो मुझे उनको टोकने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होती। दैट्स वेरी गुड। अच्छा आप ये बताइए, क्या आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? यस सर। सर मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं नगर पालिका में ज्वाइनिंग लेने से पहले क्या क्या नॉलेज गेन कर सकती हूँ जिससे कि मेरे को जॉब करते टाइम कोई दिक्कत नहीं आए। ओके, चलिए आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और मुझे लगता है दोनों ही क्वेश्चन जो भी मैंने लिए, चाहे मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है साफ सफाई के प्रति और इवन जो क्वेश्चन मैंने अब लास्ट में पूछा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं सबसे पहले उस क्वेश्चन पर चलता हूँ कि जब मैंने आपसे क्वेश्चन पुटअप किया था कि साफ सफाई के प्रति आप कितने जागरूक हैं, तो बिल्कुल इस तरीके का क्वेश्चन और इस तरीके की जो योजनाएं या सरकार की योजनाएं जो चल रही है उसका नॉलेज आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए और आपने अच्छा आंसर दिया था। इसके अलावा जो क्वेश्चन इंटरव्यूअर आपसे पूछेंगे वो ये बिल्कुल हो सकता है कि आप कुछ हमसे पूछना चाहें या कोई बात ऐसी जो आप पूछना चाहें, तो बिल्कुल उस समय आपका जो रुझान है वो ये नहीं होना चाहिए कि सर मुझे कितने घंटे जॉब करनी पड़ेगी, कितने सैलरी मिलेगी। इसकी बजाय अगर आप इस तरीके की बात करते हैं कि सर मेरे अंदर और कौन सी स्किल्स होनी चाहिए कि नगर पालिका का कार्य करते समय मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, नगर पालिका में एज अ वर्कर मैं वर्क कर रहा हूँ तो मुझे कोई सीनियर से कभी कुछ कंप्लेन ना मिले, मुझे ऐसा ना लगे कि मेरे सीनियर सेटिस्फाइड नहीं है इस वर्क से, तो ऐसा भी ना लगे, तो इसके लिए मेरे अंदर कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए तो मैं ज़्यादा अच्छा वर्कआउट दे पाऊँ, तो डेफिनेटली आप इस तरीके का क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और दोस्तों यदि आप नगर पालिका इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो बिल्कुल आपको इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि जो भी इंस्ट्रूमेंट्स नगर पालिका में यूज़ हो रहे हैं इस जॉब के प्रति बिल्कुल आपको नॉलेज होना चाहिए, और इवन आपको जो भी गवर्नमेंट के नए रूल्स रेगुलेशंस आ रहे हैं उसका भी नॉलेज होना चाहिए। इवन जो डस्टबिन में जो कलरिंग्स है उसका अच्छा नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल वो आपसे पूछेंगे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स करवाएंगे, ट्रेड टेस्ट लेंगे। सबके लिए बेस्ट विशेष। थैंक यू।